नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। Это и такая ее колесу у вас. Нам привет. जी भाई साहब, आप यहाँ पर आए हैं, आप किस लिए यहाँ पे आए हैं? हम चैन सिंह को विरोध का भैया, उन्हें भैया से बाहर भगाऊंगे। जी आप किसके समर्थन में आए हैं? हम लोग केतु राजा के समर्थन में आए हैं, क्षेत्रीय प्रत्याशी के समर्थन में आए हैं। तो आप किन के पास आए हैं? अपनी यहाँ राजा साहब के पास आए हैं, दिग्विजय सिंह के पास। जी हम लोग सीधा बहिष्कार करते हैं चरण सिंह का। अगर चरण सिंह को ये वापस नहीं करते हैं तो इनकी सीट ये तो जाएगी, इनके साथ साथ दो चार सीटें और विधानसभा की जाएगी। जी आप क्यों बहिष्कार करते हैं चरण सिंह? बहिष्कार करते हैं क्योंकि यहाँ पे कमलनाथ जी ने और दिग्विजय सिंह ने कहा था कि क्षेत्रीय जो सर्वे के अनुसार टिकट दी जाएगी, सर्वे होगा। चरण सिंह ने तो ठीक है, उनका आसपास नाम नहीं किसी ने सुना है कि चरण सिंह है कौन। चरण सिंह जी कहाँ के हैं? चरण सिंह हमने सुना है झांसी के हैं, पता नहीं कहाँ लखनऊ के हो गए। हम तो ठीक है, विधानसभा में काउगा नहीं है, पता ये कौन है? बताओ जी, अबे हाथी से पन्ना से चुनाव लड़े थे, पे एक दे टीकमगढ़ से लड़े, अबे कई बार बताओ हमें। यहाँ पर दिग्विजय सिंह के बंगले के बाहर काफी संख्या में भीड़ तैनात है। जी आप लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं, कहाँ से आए हैं? हम बिजावर विधानसभा से आए हैं। जी हम ये कहना चाहते हैं कि केशु राजा को अगली बार टिकट दी जाए, जिन्होंने इतनी मेहनत करी हमारे कार्यकर्ताओं के लड़ते रहे। डेढ़ साल पहले मुझे विधायक के लड़के ने खाने के अंदर 40 गुंडे लेके पिटवाया था। उस समय पर चरण सिंह यादव या कोई और नहीं आया था, केशु राजा जी मेरे लिए लड़े थे, उन्होंने हमारी लड़ाई लड़ी, हमारे सभी कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ी और वो हमेशा लड़े हैं। यहाँ पर इन्होंने उत्तर प्रदेश से प्रत्याशी उतार दिया कि वो हमारी लड़ाई लड़ने आएगा, जो पन्ना के लोगों के लिए नहीं पहुंचा। फिर जब पन्ना से हार गया तो टीकमगढ़ से हार गया, उसके बाद वहां लड़ने नहीं पहुंचा। जब इन्होंने वहीं पर बसारी से मुन्ना राजा जी को भेजा, वो 5 साल यहाँ पर आदमियों के लिए नहीं आए, तो यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश का आदमी क्या किसी का काम करने आएगा? और पार्टी को सोचना चाहिए कि केशु राजा जैसे जिन्होंने पदयात्रा करी, अपनी वाइफ की तबीयत को छोड़कर जो कैंसर से पीड़ित थी उनके लिए वो हमारे लिए हमारे लोगों के लिए खड़े रहे, उन लोगों को उन ऐसे व्यक्ति की टिकट काटकर, ऐसे आदमी जो कि रेत माफिया है, जो इससे पहले कांग्रेस का कभी किसी ने काम नहीं किया, हाथी से चुनाव लड़ा, सपा से चुनाव लड़ा और हर जगह हार के आज यहाँ पर आ गया। हमारे बिजावर क्षेत्र की जनता जनार्दन जितनी भी आई है, न उसे स्वीकार करती है और न स्वीकार करेगी। क्षेत्र की जनता करे पुकार, केशु भैया की ओर। क्षेत्र की जनता करे पुकार, केशु भैया की ओर।